पहली तस्वीर हजारों वोट से जिस चेहरे को 2017 में बीजेपी के ही प्रत्याशी ने हराया, उस हारे हुए चेहरे को पार्टी ज्वाइन कराने वाले चेहरे देखिए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, पार्टी के यूपी अध्यक्ष। ऐसा महत्व क्यों? क्योंकि पार्टी ज्वाइन करने वाला चेहरा अपर्णा बिष्ट यादव का है, जो मुलायम सिंह परिवार की बहू है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यूपी में बीजेपी गठबंधन की सीटें तय हो जाती हैं। तस्वीर में निषाद वोट के दावेदार संजय निषाद और कुर्मी वोट की राजनीति करने वाली अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल दिखती हैं। अपना दल, निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हम तीनों मिलकर एनडीए गठबंधन के रूप में पूरे प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे सीट डिस्ट्रीब्यूशन की जहां तक बात है, हमारी बातचीत सकारात्मक दिशा में काफी आगे बढ़ चुकी है और मैं इतना ही कहूंगी कि हम पिछली बार से कहीं अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एनडीए ने जो सीट निर्धारित की है उससे दो चार अधिके जिताकर डॉक्टर संजय अपने को किंग मेकर की भूमिका दर्शाएंगे, तभी कहलाएंगे। तीसरी कहानी में दो तस्वीरें हैं। जातिगत समीकरणों को साधने वाला गठबंधन ही इस बार समाजवादी पार्टी ने भी किया, जिसमें राजभर, मौर्य, कुशवाहा, पटेल, निषाद वोट के आधार पर सियासत करते आ रहे दल शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 350 तहसीलें हैं, ठप्पा मार के प्रमाण पत्र देती हैं कि तुम ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, अहीर हो, कुर्मी हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, धोबी, धरकार, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा हो, जुल्हा, दुनिया अंसारी, शेख सैयद, पठान हो, आरक, अर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया हो, ठप्पा मार के देते हैं। जातियों में उलझी हुई उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दिलचस्प चर्चा ट्विटर पर नजर आई, जब राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता पर कवितामय वार एक दूसरे पर किए गए। इसकी जमीन तैयार हुई मकर संक्रांति के दिन, जब पिछड़ों, दलितों की उपेक्षा का दांव खेलकर ओबीसी लीडर बीजेपी के एक झटके में समाजवादी पार्टी में आ गए। इसी के बाद अब मुख्यमंत्री ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता लिखते हुए ट्वीट किया कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। मुख्यमंत्री के इस वार पर अब बारी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की रही। उन्होंने भी कविता में ही जवाब दे दिया। रश्मि रथी की ही पंक्तियों को ट्वीट कर लिखा, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। जात की राजनीति पर कविता में ये लड़ाई इसके बाद भी जारी रही। कमान अब उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के संगठन के ट्विटर हैंडल ने संभाली, जिसमें यूपी बीजेपी ने लिखा, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। दिनकर की रचना रश्मि रथी पता नहीं कितनी पार्टियों और इनके नेताओं ने पढ़ी, लेकिन ट्विटर पर जात की राजनीति में जमकर पंक्तियां लिखी गई। अब बीजेपी की तरफ से आए सियासी तीर पर अखिलेश यादव की पार्टी ने दोबारा पलटवार किया और रश्मि रथी की ही पंक्तियां ट्वीट करके लिखा, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। अंत यही है कि 30 घंटे के भीतर जात की राजनीति में एक दूसरे को रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं से घेरने वाले उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े दलों ने अपनी सियासत में दिनकर को तो याद नहीं रखा है, गठबंधन सिर्फ जात के वोट पाने के लिए ही किया है। आज तक ब्यूरो।